तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने लेक्चर नंबर वन कर लिया था, और लेक्चर नंबर वन जब हमने किया था तो उसमें क्या देखा था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों लाया गया, क्या मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या महत्व है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के पीछे का रीजन क्या रहा, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या फंक्शंस करता है ना, क्या क्या फंक्शंस रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। और फिर हमने ये भी जाना कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्टिव बना सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के इफेक्टिव होने के लिए कौन कौन सी चीजें है ना जो जरूरी होती हैं, और कोई कॉन्स्टिट्यूशन कितना आगे तक जाएगा, कितना सक्सेसफुल रहेगा, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो भी हमने जाना। और कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस को भी हमने काफी बेटरली जाना है। मॉड्यूल नंबर सेकंड आ चुका है, अब हम रियल पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लक्ष्मीकांत जो बुक है उसी के सीक्वेंस में जाएगा, जैसे उसके चैप्टर्स के अंदर, जिस सीरीज के अंदर बनाया गया है उसी हिसाब से हम भी यहाँ पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो सेकंड जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं, अब हम रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करेंगे, काइंड ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से स्टार्ट करेंगे, फिर क्विट इंडिया एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट, एंड इस तरीके से हम फर्स्ट ऑफ ऑल सारे एक्ट्स को देखेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर ही ये चीजें आती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में बन गया, ये तो पता ही आपको, काफी लंबा टाइम लगा। साथ ही साथ में जितने भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रहे सबको खंगाला गया, सबका विश्लेषण किया गया, सब में से अच्छी अच्छी चीजें निकाली गई, तब जाके सिंथेसिस हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो उन सभी हिस्टोरिकल जो चीजें रही, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसको पढ़ना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है, तभी जाके तो हम समझ पाएंगे ना कि एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा किस तरह से बना। तो ये हिस्टोरिकल जो रेट्रोस्पेक्ट है, मतलब हिस्ट्री को इस तरह से देखना और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्ट को इस तरह से देखना है, क्यों जरूरी है, इसकी क्या यूटिलिटी है। यदि हम इसको देखें तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, द वेरी फैक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिपब्लिक इज द प्रोडक्ट ऑफ रिसर्च एंड डेलिब्रेशंस। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा ही नहीं बन गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, काफी रिसर्च हुआ है, काफी डेलिब्रेशन हुआ है, काफी ज्यादा लोगों के बीच में डिस्कशन हुआ, डिबेट्स हुई, काफी इमिनेंट जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने पार्ट लिया, ठीक है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो रेट्रोस्पेक्ट करना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का रेट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और इसको करना ही होगा, तभी जाके हम प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस तरह से बना इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये इनडिस्पेंसेबल हो जाता है कि हम रेट्रोस्पेक्ट करे बिना कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना स्टार्ट कर दे, हमको रेट्रोस्पेक्शन करना होगा, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि क्या यूटिलिटी है, क्या उपयोगिता है रेट्रोस्पेक्शन करने की। तो आगे बताया गया है कि द ओनली रेस्पेक्ट इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1949, आपको पता है 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है ना, उसके काफी सारे प्रोविजन तो हम 26 नवंबर को ही कर देते हैं चालू, एंड फाइनली 26 जनवरी 1950 को पूरा इफेक्टिवली वो लागू हो जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो 1949 में था, ठीक है, उसका और उसके जो प्रिसीडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, हमको पता है कि कितने सारे प्रिसीडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है, जो 2 सेंचुरी के प्रिसीडिंग डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। तो वो सभी जो डॉक्यूमेंट्स थे उन सभी का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में योगदान रहा, तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा खंगालना जरूरी है, थोड़ा सा देखना जरूरी है, ठीक है। और उसी के लिए हम थोड़ा हिस्टोरिकल रेट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। एंड इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये एक्सप्लेन करेगा कुल मिला के मेजेस्टी एंड एथिकल वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह का रेट्रोस्पेक्शन जो रहेगा। सर्टेन इवेंट्स इन ब्रिटिश रूल लेट डाउन द लीगल फ्रेमवर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस प्रेजेंट डे इंडिया। आपको पता है बहुत सारे रूल्स थे, रेगुलेशन थे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने एक्वायर, जो कि हमने ली है ना, जो ब्रिटिशर्स ने लेट डाउन किए थे, जो पर्टिकुलरली रेगुलेशन है ना, वहीं से हमने उठाए हैं काफी सारी चीजें। तो इन सब चीजों को देखना थोड़ा जरूरी हो जाता है। दे आर एक्सप्लेन हियर इन दिस चैप्टर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया इंपोर्टेंट लेजिस्लेशन रहेंगे, उसमें जो ये एक्ट है लाइक काइंड ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, फिर क्विट इंडिया एक्ट एंड चार्टर एक्ट वगैरह, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन थे जिनमें से हमने काफी सारी चीजें ली हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने के लिए जाएंगे किसको, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को, ठीक है। उससे पहले मतलब इस चैप्टर के अंदर हम कुल मिला के हिस्टोरिकली क्या क्या चीजें रही जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में कंट्रीब्यूट किया, और हमने काफी कुछ चीजें वहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाके रखी हैं, ठीक है। उसके उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि हम पहले थोड़ा सा हिस्ट्री को देखेंगे ना, तो उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो आपको बताया कि 16 सेंचुरी के अंदर, 1600 के अंदर एज ए ट्रेडर्स आते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं। देखो यहाँ पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। फ्रेंच कंपनी का नाम भी ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और
इनके पास क्या थे, जो कंपनी आती है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स थे ट्रेडिंग के इंडिया के अंदर, ठीक है, अंडर ए चार्टर ग्रांटेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने बिल्कुल चार्टर इनको प्रोवाइड किया था कंपनी को, और कंपनी उस चार्टर को लेके यहाँ पे आती है, एंड एक्सक्लूसिव राइट्स थे उनको ट्रेडिंग करने के इंडिया के अंदर। एक्सक्लूसिव मतलब उनका राइट था पूरा, फुल फ्लेज वे में, ठीक है। इन ईयर 1765 हम अब कौन से इवेंट्स देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है ना उनको देख रहे हैं हिस्टोरिकल रेट्रोस्पेक्शन के अंदर। तो हमको पता चल गया 1600 के अंदर कंपनी आती है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से वो चार्टर लेके आते हैं एंड ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। अभी जो कंपनी है वो केवल एक ट्रेडिंग कंपनी है ना, ट्रेडिंग कर रही है, ट्रेड करना ही उसका अल्टीमेट और इम्पोर्टेंट पर्पज है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखो कि 1765 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब तक जो प्योरली ट्रेडिंग का फंक्शन कर रही थी उसको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, और इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको पता ही है, 1757 का प्लासी का वॉर होना, 1764 का बक्सर का वार होना, उन वॉर्स को जीत जाना, वाटरशेड मूवमेंट थी अपने आप में, ये वाटरशेड मूवमेंट थी हिस्ट्री में, और यहां से उन्होंने दीवानी राइट्स एक्वायर कर लिए, ठीक है, बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के। तो अब तक जो कंपनी मेयरली केवल और केवल एक ट्रेडिंग कंपनी थी वो अब दीवानी राइट्स भी एक्वायर कर चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको द राइट्स ओवर द रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस मिल जाता है, तब कंपनी अपने आप को फर्दर एक्सटेंड करेगी, ठीक है, और मेयरली केवल एक ट्रेडिंग कंपनी ना रह जाके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पार्ट लेने लगेगी। तो कुछ ड्रास्टिक चेंज भी आपको यहाँ पे देखने के मिलेंगे, या हम बोल सकते हैं कि परिवर्तन भी आएंगे यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए उस कंपनी को, है ना, क्योंकि अब कंपनी का जो है एरिया है जो उनका वो बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरह से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह से भी थोड़ा आगे यदि बढ़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट जो एक इवेंट रही है हिस्ट्री की, 1857-58 का जो सिपॉय मुटनी हुई थी वो भी काफी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, और इसके बाद भी एक बिल्कुल तेजी से गवर्नेंस जो इंडिया की थी वो चेंज हुई थी, क्योंकि क्राउन को शिफ्ट कर दी गई थी गवर्नेंस। तो ये कुछ हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई है जहाँ पे की ड्रास्टिक एंड चेंज देखने को मिला है, लाइक काइंड ऑफ दीवानी राइट्स को यहाँ पे एक्वायर करना कंपनी को, और कंपनी का एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह भी आ जाना, और कंपनी का दायरा बढ़ जाना। इसी तरीके से 1858 के अंदर कंपनी को ऑल टुगेदर हटा के और क्राउन का कब्जा कर लेना, सॉरी कब्जा नहीं करना, क्राउन की तरफ पावर को ट्रांसफर कर देना, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की इवेंट रही है, ठीक है। नाउ ये सब चीजें देखने के बाद अब हम देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट को अब स्टार्ट करेंगे। मेजर लेव हम स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, और क्यों लाया गया था ये एक्ट। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि 1757 का प्लासी का वॉर होता है, 1764 का बक्सर का वॉर होता है, 1765 में आपको पता है कि दीवानी राइट्स मिल चुके हैं जिसमें कि सिविल जस्टिस एंड रेवेन्यू के राइट्स कंपनी को दे दिए जाते हैं। अब जो कंपनी है उसका दायरा बढ़ चुका है, उसके जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वो काफी ज्यादा करप्शन वाले एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगते हैं, कंपनी जो होती है वो काफी ज्यादा मिसयूज करने लगती है अपने आपको मिले हुए जो राइट्स थे वगैरह उनका। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि इस कंपनी को रेगुलेट करना जरूरी है, इसी वजह से इस पर्टिकुलर एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट है। जैसा कि इस एक्ट का नाम है वैसा ही इस एक्ट का काम है, ये रेगुलेट करेगा कंपनी के जो यहाँ पे अफेयर्स हैं, जो कंपनी रूल कर रही है उसको रेगुलेट करेगा यहाँ पे। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है, पहला एक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ओके। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इसको लाया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक्सट्रीम करप्शन प्रेवलेंट था कंपनी के सर्वेंट्स के अंदर, और उन सबको करप्शन को रिमूव करने की जरूरत थी, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जब ये एक्ट आया तो रिकॉग्नाइजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो पहली बार जब ये एक्ट आया तो रिकॉग्नाइज किया गया पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, और लेट डाउन किया गया फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो देखो फर्स्ट टाइम पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया के अंदर यहां से आ रहा है, ठीक है। तीन प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे, लाइक बंगाल हो गई आपकी, मद्रास हो गई, बॉम्बे हो गई, ठीक है, उसका सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, उनको ऑल टुगेदर एक अम्ब्रेला के अंदर लाया जा रहा है, और जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाएगा। तो हर एक अल्टरनेटिव एक्ट के बाद यहाँ पे इनका नाम बदलता रहेगा, जो सुप्रीम पावरफुल मैन है इंडिया के अंदर उसका नाम लगातार बदलता रहेगा, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल है, फिर 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो जाएगा, देन ठीक है फिर इंडिया के नाम पे उनका नाम आ जाएगा, है ना, फिर वायसराय उनको बना दिया जाएगा, एंड देन फिर अगेन दोबारा से जब हम आजाद होने वाले होंगे तब फिर से नाम चेंज किया जाएगा। तो इसी तरह से नाम चेंज किया जा रहा है, और साथ ही साथ में जो आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ला दिया गया है, उनके परव्यू में ला दिया गया है मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को, तो सेंट्रलाइजेशन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं पे जो आज भी हम देखते हैं जो कहीं ना कहीं पे स्टार्टिंग हम बोल सकते हैं इंडिया में यहां से होती है, फिट्स इंडिया एक्ट के अंदर से प्रोविजन
किया गया, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ये प्रोविजन किया गया था। एंड दिस एक्ट परमिटेड द कंपनी टू रिटेन इट्स टेरिटोरियल पोजीशन इन इंडिया बट हाउ टू रेगुलेट द एक्टिविटीज एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। तो इस एक्ट ने क्या बोला भाई, आपका टेरिटोरियल जो पोजीशन है इंडिया के अंदर बिल्कुल आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको रेगुलेट करेंगे आपकी एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है, जो आप एक्टिविटीज एंड फंक्शंस यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज हुई। इट डिड नॉट टेक द पावर ऑफ कंप्लीटली, हेंस कॉल्ड इट द रेगुलेटिंग। लेकिन इसने पावर को कंप्लीटली कैप्चर तो किया नहीं है, पावर को कंप्लीटली ट्रांसफर तो किया नहीं है, वो तो हम 1858 में देखेंगे। इस वजह से इसको रेगुलेटिंग एक्ट भी बोला जाता है। अब देख लेते हैं कि इस एक्ट के फीचर्स क्या थे, फीचर्स ऑफ द एक्ट। तो जो ये पर्टिकुलर एक्ट है इसके फीचर्स की हम बात करते हैं। 1773 के रेगुलेटरी काफी इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है ना इनके अंदर से क्वेश्चंस के आने की, तो आपको थोड़ा सा नेटिविटी में देखना है इनको अच्छे से। तो फीचर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसने क्या डेजिग्नेटेड किया, देखो पहले तो मैंने बता दी कि गवर्नर ऑफ बंगाल को इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और उनके लिए अच्छे से अब इनको सुनते हुए चलना है, उनके लिए एक, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं मैं बता दूं, हम मॉड्यूल नंबर मतलब लेक्चर नंबर सेकंड कर रहे हैं, इसके अंदर हम अभी फर्स्ट इस टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को पढ़ रहे हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है उसको पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, अब देख लो ये फीचर जो है इस रेगुलेटिंग एक्ट के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और बनने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है पीसीएस के अंदर भी एंड यूपीएससी के अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, अब आप फीचर्स देख लीजिए, क्वेश्चन फीचर्स में से ही बनते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया है, एक तो ये चेंज हो गया है। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई है चार लोगों की, ठीक है, जो कि असिस्ट करेगी उनको। तो आपको एक चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, ईसी बोल देता हूँ इसको मैं, ठीक है, जो भी है ईसी हो गया, ठीक है। एक होगा आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो जाएंगे, सीओ डी बोल देंगे अपन इनको। एक होगा आपका बीओसी, तो बीओसी जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये अभी नहीं आया है, ये आएगा पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर। इनके डिफरेंसेज को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये दो चीजें जो हैं वो रेगुलेटिंग एक्ट में आ चुकी है, और बीओसी जो आएगा वो पिट्स इंडिया एक्ट में आएगा, ठीक है। एंड जब बीओसी आएगा तभी दोनों भी रहेंगे, तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम पिट्स इंडिया एक्ट में ये सब हो जाएंगे, लेकिन अभी जो है वो केवल और केवल दो चीजें हैं। इसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो चार लोगों की काउंसिल है, वो हेल्प कर रही है गवर्नर की, और साथ ही साथ में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका कुछ अलग फंक्शन रहेगा, वो भी हम देखेंगे, अभी दिखा देंगे उसके बारे में। और साथ ही साथ में आपको याद रखना है कि गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग थे, इसको आपको ध्यान रखना है। इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, हमने बोला ना कि सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, तो सेंट्रलाइजेशन होने का मतलब क्या है कि अथॉरिटी जो है एक हाथ में चली जाएगी, सिंगल हैंड में चली जाएगी, और काफी हद तक परव्यू के अंदर लाके रख दिया जाएगा, ठीक है। बॉम्बे को एंड मद्रास की जो प्रेसिडेंसी को सब ऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, इस चीज को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फीचर है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और इसी एक्ट ने प्रोवाइड किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता के भी ना, कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट बनेगा, इसका प्रोविजन भी इस एक्ट के अंदर रखा गया था। और इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया था सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड, भाई सर्वेंट जो कंपनी के हैं वो किसी प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, इसका प्रोविजन भी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कर दिया गया था, और किसी भी तरीके की कोई ब्राइब्स वगैरह वो नहीं लेंगे, ठीक है। एंड इसने मजबूत किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को ओवर द कंपनी, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे लाए जाएंगे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम होगा, ये गवर्निंग बॉडी होगी, ठीक है, कंपनी की, जो कि क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी रेवेन्यू को, सिविल को और मिलिट्री के जो अफेयर्स है इन इंडिया, ठीक है। तो कुल मिला के सीओडी आया, और सीओडी किन चीजों को हैंडल कर रहा है, रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स है इंडिया के अंदर, उनको कुल मिला के क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है, जो सीओडी आपका है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो आपके हैं। तो दिस इज अबाउट द सीओडी, और हमारे यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर केवल केवल सीओडी एंड ईसी ही है, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल है एंड सीओडी है। अब देख लेते हैं, ये तो हमने फीचर्स देख लिए इसके, अभी तक कोई डाउट है किसी को इन फीचर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो डिफेक्ट्स देख लेते हैं, फिर आप लास्ट में डाउट पूछ लेना, कुछ डाउट होते हैं तो, वैसे रहेंगे नहीं, मैं पूरा कवर करवा दूंगा। तो 1773 एक्ट के डिफेक्ट्स क्या रहे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल आ गई, अब डिसीजन जब मेकिंग होगी तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी उसमें पार्ट लेगी, तो गवर्नर जनरल पावर लेस हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि उनके पास में वीटो पावर नहीं है। देखो अब चार लोग तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के आ गए, एक गवर्नर जनरल है, उनके पास वीटो पावर है नहीं। अब तीन लोग जब गवर्नर जनरल को सपोर्ट करेंगे, या मिनिमम दो लोग, तब जाके कोई डिसीजन बन पाएगा फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे पावर थोड़ा कम हो जाता है गवर्नर जनरल का, क्योंकि चार लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एक गवर्नर जनरल है, इनको देख लेना आप, ठीक है। तो जब कोई डिसीजन लिया जाएगा तो ये वोटिंग से होगा, ऐसी कंडीशन में काफी हद तक पावर कम हो जाता है यहाँ पे किसका,
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास जो है, हालांकि इनको क्या कर दिया गया है, सबऑर्डिनेट कर दिया गया है इन प्रेसिडेंसीज को, लेकिन अभी भी ये क्या करेंगी, इस तरह से काम करेंगी जैसे कि मतलब ये इंडिपेंडेंट है, और ये काफी हद तक वॉयलेट करेंगी उन रूल्स को। ऑन देयर डिस्क्रिशन ऑफ प्रोटेक्ट ऑफ इमरजेंसी दे ऑल्सो कंटिन्यू वॉर एंड अलायंस विदाउट द केयरिंग इन लिस्ट बिट वाई रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल। मतलब ये अभी भी इन्वॉल्व है बॉम्बे वाले और मद्रास वाले, है ना, और ये अभी भी वॉर वगैरह करने में लगे हुए हैं, अपने आपको आगे बढ़ा रहे हैं, काइंड ऑफ कंटिन्यू वॉर्स एंड अलायंसेज ये बना रहे हैं विदाउट केयरिंग इन द लिस्ट बिट टू रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल। तो ये सब कुछ चल रहा है, तो मतलब अच्छे से कंट्रोल हो नहीं पाया है, सेंट्रलाइजेशन अच्छे से हो नहीं पाया, ये भी एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे। द प्रोविजंस रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट वर वेग एंड इफेक्टिव। सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस थे वो वेग और इफेक्टिव थे। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट आता है, इसका प्रेजेंट डे सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये उस टाइम के लिए ही केवल था। हमारा अभी का जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो 1935 का जो हमारा एक्ट है वहां से आया है, तो ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। एंड फाइनली क्या था, इसकी हम डिफेक्ट्स, इसकी कमियां देख रहे हैं। लास्टली देयर वाज नथिंग इन एक्ट विच कुड एड्रेस द ग्रीवेंसेज ऑफ द, और साथ में लोगों जो थे उनके जो ग्रीवेंसेज थे बंगाल बिहार उड़ीसा के लोगों के ग्रीवेंसेज को खत्म करने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा वहां पे स्टारवेशन वगैरह था, अकाल वकाल आया करते थे, तो उनका ग्रीवेंस कहीं पे भी हैंडल नहीं हो रहा था, तो उस लेवल पे भी ये एक्ट जो था पूरी तरह से फेल हो रहा था, ठीक है। अब देखते हैं हम थोड़ा, अब तक हमने पहले हमने फीचर्स देखे एक्ट के, फिर हमने फीचर देखने के बाद में उसके डिफेक्ट्स देखे, अब थोड़ा एनालाइज करते हैं इस एक्ट को, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। तो इसमें हमने क्या देखा, द ब्रिटिश रियलाइज द नीड टू रेगुलेट द कंपनी अफेयर्स एंड थस इनएक्टेड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको पता है 1773 का एक्ट पहला क्यों लाया गया, क्योंकि रेगुलेटिंग करना था इस वजह से कंपनी के, ना, तो ये एनालिसिस हम कर रहे हैं इसका, है ना। और इस एक्ट ने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे कंपनी के, ठीक है, तो हाँ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का फीचर भी हमने देख लिया, उसी के बारे में भी बता रखा है कि द एक्ट मेड चेंजेस टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी एंड सब्जेक्टेड देयर एक्शंस टू द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उनके जो एक्शन थे उनको सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रख दिया यहाँ पे। एंड द रेगुलेटिंग एक्ट है ना जल्दी ही ब्रॉक डाउन हो गया, ठीक है। इन प्रैक्टिस इट हैड नॉट गिवन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इफेक्टिव एंड डिसेसिव कंट्रोल ओवर द कंपनी, लेकिन जो गवर्नमेंट ने सोचा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वैसा कंट्रोल उनको नहीं मिल पाया, ठीक है। ये रेगुलेटिंग एक्ट से जितनी उम्मीद लगाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उतना डिसिसिव, ठीक है, एंड जो कंट्रोल था ना वो नहीं हो पाया, उतना इफेक्टिव एंड कंट्रोल नहीं हो पाया यहाँ पे, तो एक तरह से इस वजह से भी फेल हो गया। इस वजह से पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा, जो विलियम पिट थे आई थिंक उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं के नाम पे 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, जिसको भी हम देखेंगे अभी, और फिर देखेंगे कि उसके अंदर क्या कमियां रहती हैं, उसको भी एनालाइज करेंगे। तो इन इंडिया इट प्लेस द गवर्नर जनरल एट द मर्सी ऑफ हिज काउंसिल। मैं बता दी क्यों मर्सी ऑफ काउंसिल के ऊपर है, क्योंकि तो आपको पता है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, चार लोग है, जो वोटिंग होगी तो उनके वोट की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नर जनरल की जो पोजीशन है वो वीक हो जाती है, काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है सेक्ट के अंदर। थ्री ऑफ द काउंसलर्स कुड कंबाइन एंड आउटवोट द गवर्नर जनरल, तो मैंने बताया ना तीन लोग मिल जाएंगे, और गवर्नर जनरल को यदि एक आदमी मिलता है और एक वो खुद होता है तो दो ही रह जाते हैं, तो ये आउट आउट कर दिया उनको, पूरा आउटवोट कर दिया, तो पावर कम हो गई ना, गवर्नर जनरल इतनी इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है उसकी पावर कम हो गई है यहाँ पे, ठीक है। और इन प्रैक्टिस वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल अंडर द एक्ट थे, है ना, एंड थ्री ऑफ हिज काउंसलर्स वगैरह क्वेरल्ड इंसिस्टेंटली, मतलब लगातार ये लोग आपस में लड़ाइयाँ करते रहते थे, तो मतलब पावर जो कुल मिला के जो पोजीशन थी गवर्नर जनरल की वो अच्छी नहीं थी, है ना। आगे बताया गया है गवर्नर जनरल्स कंट्रोल ओवर द अदर टू प्रेसिडेंसी, वो भी कमजोर था, इन एडिक्वेट प्रैक्टिस थी, ये भी हमने पहले बात कर ली है, वो आ चुका है उस चीज के अंदर, है ना, जब हम उसके इफेक्ट देख रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ऑल द एक्ट हैड फेल्ड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, है ना, तो ये एक्ट है ना वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में फेल हो गया, किसके बीच में, कंपनी एंड इट्स अपोनेंट्स इन इंग्लैंड, तो काफी सारे अपोनेंट्स भी तो थे ना इंग्लैंड में कंपनी के, तो उनके बीच में जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट था उसको दूर करने में भी ये फेल हो जाता है। हुवर डेली ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड मोर वोकल, तो इनके जो अपोनेंट थे वो काफी स्ट्रॉन्गर एंड मोर वोकल होते जा रहे थे, पार्लियामेंट में उनकी वॉइस भी बढ़ती जा रही थी काइंड ऑफ, तो उसको भी हैंडल करने में फेल हो जाता है। मोर ओवर द कंपनी रिमेंड एक्सट्रीमली वल्नरेबल रही कंपनी, इसकी एनिमीज के अटैक्स वगैरह के लिए, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन पोजीशन कंटिन्यू टू बी करप्ट, अभी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया के अंदर वो करप्ट रहा, इकोनॉमिकली डिजास्टर रहा, तो इस वजह से नए एक्ट को लाने की रिक्वायरमेंट रही। तो ये पूरा हमने देखा, जिसमें हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर्स देखे, फिर उसके हमने डिफेक्ट्स देखे, एंड फाइनली उसको हमने एनालाइज भी कर लिया, ठीक है। तो होलिस्टिकली हमने इसको कवर कर लिया, यहाँ से जो चीजें हमने लेके जा रहे हैं वो हमको पता है कि सीओडी आ चुका है, जो मैंने पहले भी बताया था, ईसी आ चुका है, ठीक है, और सारे फीचर्स अभी हमने देखे हैं, तो दोबारा रिपीट करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो वो आपको याद हो गए होंगे। अब देखते हैं कि क्या एडिशनल चीजें आती हैं पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर 1784 में, ठीक है।
तो अब 1784 के अंदर 11 साल बाद क्विट्स इंडिया एक्ट आता है, जो कि पार्लियामेंट वहां पे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट थे, उनके नाम पे ये एक्ट आया था, ठीक है। और ये एक्ट क्या करता है, ये अब क्या करेगा, कॉमर्शियल जो फंक्शन है, अब यहाँ पे बीओसी आएगा, ध्यान रखना, एक नई बॉडी इंट्रोड्यूस होगी, बीओसी। ओके, टाइपिंग में दिक्कत आ रही है, ओके, बीओसी, टाइपिंग क्या ये चल नहीं रहा जैसे, ठीक है। तो बीओसी आ गया, अब ये बीओसी आ गया, अब क्या होगा, जो कॉमर्शियल और जो पॉलिटिकल फंक्शन है वो कंपनी का अलग अलग हो जाएंगे। कॉमर्शियल फंक्शन तो दे दिया जाएगा सीओडी को, ये तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया जाएगा, और जो पॉलिटिकल फंक्शन है वो दे दिए जाएंगे आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ठीक है। तो मैंने दी पॉलिटिकल अफेयर्स, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन को अलॉट कर दिया गया, इस तरह से चीजें हो गई। अब क्या हो गया, एक पूरा डबल गवर्नमेंट का सिस्टम आ चुका है यहाँ पे, डबल गवर्नमेंट सिस्टम आ गया है, इस चीज को ध्यान रखना है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना है। इट एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ मिलिट्री एंड सिविल गवर्नमेंट, जितने भी सिविल गवर्नमेंट और मिलिट्री के ऑपरेशन है, सबको आप सुपरवाइज करेगा आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ये पॉलिटिकल अफेयर्स के साथ देखेगा, पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा। और द रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजिशन इन इंडिया, और ब्रिटिश पोजिशन के जो रेवेन्यू है उनको भी देख रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम आ गया। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होगा, यहाँ पे क्या दिक्कत होगी कि अब बीओसी आ गया आपका, गवर्नर जनरल हो गया आपका, एंड गवर्नर जनरल के साथ उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, गवर्नर जनरल है, बीओसी है, सीओडी है, तीन इंस्टीट्यूट हो गए, और उनके पावर क्लैश इतने ज्यादा चलेंगे ना, क्योंकि इनकी वेल डिफाइंड नहीं है इनका पूरा जो क्राइटेरिया कि कौन सा किसको हैंडल करेगा। यहाँ पे बीओसी जो है काफी पावरफुल है, क्योंकि बीओसी के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, है ना, वहाँ के दो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी बीओसी के अंदर होते हैं। देखते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूट कैसे रहता है, 6-7 लोग होते हैं आई थिंक बीओसी के अंदर, जिसमें कि दो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, तो काफी पावरफुल बॉडी रहती है बीओसी जो होती है वो, और वो काफी हद तक सुपरसीड करती है सीओडी को। तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट आता है बाद में जाके। अब हम देखते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं क्विट्स इंडिया एक्ट का, 1784 वाला जो क्विट्स इंडिया एक्ट है उसका एनालिसिस करते हैं। द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट एंड द एक्सिजेंसीज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिक्स लेड टू द पासिंग ऑफ द पिट्स एक्ट। तो मतलब पिट्स एक्ट आ गया, आपको पता है क्यों आया, क्या रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि फेल हो रहा था रेगुलेटिंग एक्ट, इस वजह से आ गया। तो ये फालतू की बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। द एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर टू रीजंस, क्यों, दो रीजंस के लिए ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट था, ठीक है। कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वेयर फॉर द फर्स्ट कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन, तो जो कंपनी की टेरिटरीज थी अब तक उनको पहली बार ब्रिटिश पोजीशन बोला गया है इस एक्ट के अंदर, ध्यान रखना। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया है कंपनी के ऊपर यहाँ पे, है ना, जो कि 1773 के अंदर नहीं कहा गया था, वो अब यहाँ पे कह दिया गया है। एंड सिक्स कमिश्नर्स आ गए, है ना, फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मैंने बोला था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर 6 कमिश्नर्स होंगे, इनमें से दो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर हैं, वो होंगे दो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बीओसी, है ना, बीओसी वाज टू गाइड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बीओसी कितना पावरफुल है, देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी ये काफी हद तक गाइड कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है उनके वर्क को, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफी हद तक हैंडल कर रहा है। तो बीओसी काफी एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट आ चुका है, है ना। द एक्ट प्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ऑफ थ्री। सो अब यहाँ पे एक परिवर्तन और आएगा, अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना आपकी, वो 3 मेंबर की कर दी जाएगी। सॉरी मैम, तो यहाँ पे क्या होगा, गवर्नर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी किसके हाथों में होगी, गवर्नर जनरल तो हमारे थे ही, काउंसिल ऑफ थ्री, 3 लोगों की काउंसिल होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 3 लोगों की काउंसिल होगी तो जो गवर्नर जनरल का आप थोड़ा सा वोट का महत्व बढ़ जाएगा, और उनके पास एक तरह से बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि उनका जो पावर था वो कम था। अब उनके साथ यदि एक इंसान भी आ जाता है, अब देखो 3 लोग हो गए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, अब इनका पावर कैसे बढ़ जाएगा गवर्नर का, अब उनके साथ एक इंसान भी आ जाता है 3 में से, तो एक तो उनका खुद का वोट, एक दो, तो ऐसे टाई हो गया। अब जब टाई हो जाएगा, इस कंडीशन में उनको कास्टिंग वोट डालने की परमिशन थी इस एक्ट के अंदर, और फिर वो प्रिवेल कर जाएंगे, वो जो भी डिसीजन लेंगे गवर्नर जनरल जो है। तो इस तरह से इस एक्ट के अंदर ये चीज, इस चीज का प्रोविजन कर दिया गया था, जो कि काफी अच्छा प्रोविजन था, और इसे मतलब किसके लिए अच्छा था, गवर्नर जनरल के लिए काफी अच्छा प्रोविजन था। और देखो जो दूसरी कमी थी कि बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियां जो थी मान नहीं रही थी बात, कंट्रोल में नहीं थी, तो उनको भी पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियरली एक्ट के अंदर लाके सबॉर्डिनेट कर दिया गया, सभी क्वेश्चंस के अंदर, सभी सब्जेक्ट्स के अंदर, लाइक वॉर, डिप्लोमेसी एंड रेवेन्यू, ठीक है, ऑल क्वेश्चन ऑफ इन 3 सब्जेक्टों के ऑल, सभी क्वेश्चन के अंदर एक तरह से बंगाल के अंदर सबॉर्डिनेट कर दिया गया है बॉम्बे और मद्रास को। कौन कौन से सब्जेक्ट है, वॉर, डिप्लोमेसी एंड रेवेन्यू के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने वॉर, डिप्लोमेसी एंड रेवेन्यू के जो ये एरियाज हैं, सब्जेक्ट्स हैं, इनके सभी क्वेश्चंस के अंदर इनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया। और इसके साथ में क्या होता है, अब न्यू फेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया स्टार्ट होता है इस एक्ट के साथ में ही,
ठीक है। और ब्रिटिश नेशनल पॉलिसी इन इंडिया वाज मेड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द रूलिंग क्लास ऑफ ब्रिटेन। सॉरी थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो रही है अभी। हाँ तो इसमें क्या था कि अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि ब्रिटिश नेशनल पॉलिसी वगैरह आएगी एंड देन यहाँ पे जो पूरा पर्पस होगा इस एक्ट के बाद में यहाँ देखा जाएगा कि जितनी भी रूलिंग क्लास है ब्रिटिशर्स की उनको सर्व करने के लिए होंगे सारी चीजें। ठीक है। एंड द कंपनी हैविंग सेव्ड इट्स मोनोपोली ऑफ द इंडियन एंड चाइनीज ट्रेड वाज सेटिस्फाइड। तो सब नॉर्मल सी बातें हैं। अब देखते हैं इट्स डायरेक्टर्स रिटेन द प्रॉफिटेबल राइट ऑफ अपॉइंटिंग एंड डिसमिसिंग द ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स को डिसमिस करने का एंड जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो इस चीज को डिसाइड करेंगे उनके पास रहेगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, जो पहले हमने देखी है वो इंपॉर्टेंट थी। तब हम देखते हैं डिफेक्ट बोल दो या फेलियर्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट बोल दो 1784 और फिर फाइनली हम उसको एनालाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट डीम ए फेलियर। अब यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट भी क्यों फेल हो गया, क्योंकि इस मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है कंपनी की जो पावर है ना, काफी सारे जो लोग है उसमें आपस में बीओसी हो गया, सीओडी हो गया एंड गवर्नमेंट हो गई जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू चल रही है गवर्नर जनरल से, उनमें पावर क्लैश हो रहा है यहाँ पे है ना। तो उनको पता नहीं है बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल बाउंड्री नहीं की गई है कि कौन सा काम किसके अंडर में आ रहा है। ठीक है। साथ में बताया जाता कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नेपोटिज्म भी किया करता था अपॉइंटमेंट्स वगैरह इन सब चीजों के अंदर, इसकी भी एक प्रॉब्लम उस टाइम पे थी, इसके बारे में बात की जाती है। ठीक है। और ये वही वाली बात है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल के बीच में कोई डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं थी। और पहला पॉइंट क्या था, द पिट्स इंडिया एक्ट वाज डीम्ड ए फेलियर दिस बिकॉज द बाउंड्रीज बिटवीन द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड द कंपनीज पावर्स वर नेबुलस। नेबुलस मतलब क्या होता है कि क्रिस्टल क्लियर ना होना एंड हाईली सब्जेक्टिव काइंड ऑफ है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम थे, नेबुलेशन ये सब कुछ प्रॉब्लम इस एक्ट के अंदर थी कुल मिलाकर। ओके। तो इसका एनालाइज है नहीं, ये इतना ही है ये एक्ट काइंड ऑफ। एनालाइज तो करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पता ही चल गया ना, हमने फेलियर देख लिए और पॉजिटिव पॉइंट देख लिए। जब पॉजिटिव पॉइंट देख लिए तो पॉजिटिव पॉइंट का भी हमको पता चल गया और जब फेलियर देख लिए तो फेलियर का भी हमको पता चल गया। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड लेक्चर था ये यही था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 1813 का एक्ट देखेंगे, 1833 का एक्ट देखेंगे। अभी तक अभी ये जो एक्ट रहेंगे वो चार्टर एक्ट बन जाएंगे, फिर उनके अंदर क्या प्रोविजन है उनको हम देखेंगे। तो ऐसे 1813, 1833, 1853, 1858 काइंड ऑफ उसके बाद में इसी तरीके से फिर काउंसिल एक्ट जो रहे वो हम देखेंगे एंड फिर 1909, 1919 एंड 1935 के अंदर करते हुए इसको कंप्लीट कर देंगे। दो तीन लेक्चर में हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है ये एक्चुअली में, यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं। तो इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखना कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे 1813 का जो एक्ट है वो देखेंगे हम।